राजधानी लखनऊ के सदर कैंट स्थित 225 साल पुराना दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर के नवीनीकरण को लेकर दो पक्षों में बवाल हो गया। ये बवाल इतना बढ़ गया कि मंदिर के महंत को मंदिर छोड़कर जाना पड़ा। बताया जा रहा है कि कुछ दबंगों ने कैंटोनमेंट सीओ से कहकर उसे जबरन गिरवा दिया। मंदिर जिस स्थान पर बना था उसे स्थान पर उसी के स्वरूप में बन रहा था, फिर भी मंदिर को गिरा दिया गया और 2 इंच पीछे कर दिया गया। मंदिर के महंत ने बताया कि कुछ दबंगों ने घर और मंदिर को तुड़वाकर 2 इंच पीछे करवाया, जिससे करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची है। इस मामले में सीओ कैंट को लिखित में शिकायत दी गई है। ये देखिए, ये सदर का दक्षिणमुखी हनुमान जी महाराज का मंदिर है। ये करीबन 250 साल पुराना मंदिर है। यहाँ पे मेरी कई पीढ़ियाँ रह चुकी हैं। अब क्या हुआ है कि पेड़ की वजह से, यहाँ पे आप देख सकते हैं बरगद का पेड़ है, उसकी वजह से जर्जरी हो गई थी दीवारें। पूरा मंदिर जो है बारिशों के दिनों में या फिर धूप छाँव के दिनों में तबकता था अंदर से, और इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि इसका जीवन उद्धार किया जाए। जीवन उद्धार के मकसद में हमारा जो पिलर आगे पड़ा था उसके नीचे सिवर लाइन आ रही थी। हमारी पहले ईंट की दीवार थी, हम लोगों ने सोचा कि पूरा एकदम मजबूती वाला काम किया जाए, तो पिलर हम लोगों ने सोचा कि 2 फीट हम सिवर लाइन के उधर से करें। 5 फुट गहराई में हमने खोद के 2 फीट दूरी से सिवर लाइन के किया, तो वहाँ पर आपत्ति अब ये आ रही है, कुछ अवैध लोगों ने आके हमारा दीवार जो आगे से हम मनवा रहे थे वो हमारी गैर मौजूदगी में तुड़वा दिए। कारण ये है, यहाँ के कुछ लोग दबंग लोग जो हैं वो नहीं चाहते कि मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार हो। सर्वोसर्वा बनना चाहते थे, सर्वोसर्वा बनना चाहते थे, परंतु पंडित जी ने ऐसा ना करके आम जनता को उसमें इन्वॉल्व किया और आम जनता के चंदे द्वारा बनाया जा रहा है। वो अवैध रूप से चंदा वसूलना चाह रहे थे, कारण यही था मंदिर तुड़वाने का, कि वो अवैध रूप से चंदा वसूलना चाह रहे थे आम लोगों से। ऐसा ना करके पंडित जी ने अपने हाथ में सब कुछ रखा और मंदिर बनाया जा रहा है। इस कारण से इन्होंने अपने रिसोर्स लगा के मंदिर को गिरवा दिया। संपूर्ण पूरी कार्रवाई करी गई है, थाने में एप्लीकेशन दी गई है और यहाँ कैंटोनमेंट सीओ से भी कहा गया है। तो क्या उधर से आश्वासन मिला कुछ? हाँ, बिल्कुल आश्वासन मिला, परमिशन।